नमस्ते दोस्तों, सैर सपाटे की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताता हूँ हनीमून के लिए इंडिया में पांच सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन। यानी अगर आप हनीमून मनाने जाते हैं तो ये पांच डेस्टिनेशन में से किसी एक को आपको चुनना चाहिए जो अपने आप में बहुत खास है। अब डिपेंड करता है मौसम, वेदर और किस टाइम पर आप जा रहे हैं। आइए एक एक करके ये पाँच डेस्टिनेशन जानते हैं। इन सब में सबसे पहला डेस्टिनेशन है जहां आप जाना चाहेंगे, वो है कश्मीर। कश्मीर हनीमून मनाने के लिए सबसे सुंदर जगह है, जिसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। और कश्मीर जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च और मार्च से लेके मई तक है। अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच में जाएंगे तो आपको दिसंबर में कश्मीर में मिलेगी बर्फ। आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और कश्मीर में शिकारा की सैर कर पाएंगे और कश्मीर के ये पल आपके लिए ज़िंदगी भर यादगार रहेंगे। अगर आप अप्रैल से लेके मई जून के बीच में जाएंगे तो बहुत सुहावना मौसम मिलेगा, जहां देश में हर तरफ गर्मी होती है, कश्मीर में वही टेम्परेचर आपको 20 से 25 डिग्री के बीच में मिलेगा। तो आप चाहें तो डल लेक की खूबसूरत वादियों में हाउस बोट में अपना समय बिता सकते हैं, और चाहें तो आप सोनमर्ग की पहाड़ियों में बर्फ के स्लोप में दिसंबर में स्कीइंग वगैरह का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद जो बहुत खास जगह जो हनीमून के लिए बहुत फेमस है वो है उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान जिसको कि झीलों का शहर कहा जाता है, अपने आप में बहुत खास है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ और पिचोला झील, फतेह सागर झील और इसके चारों तरफ खूबसूरत होटल, रॉयल पैलेस, ये जगह अपने आप में बहुत यूनिक है। यहाँ पे आप जाने का सबसे अच्छा समय है, यानी अक्टूबर से लेके फरवरी तक यहाँ पे सबसे अच्छा समय, यानी सर्दियों के समय यहाँ पे गुनगुनी धूप रहती है, सुहावना मौसम रहता है, न सर्दी होती है ज़्यादा न गर्मी होती है। और उदयपुर में कुछ बहुत ही खास जगह हैं, जैसे कि आप जाएंगे जग मंदिर रिजॉर्ट जो कि झील के बीच में है, और लेक पैलेस रिजॉर्ट, ये जगह दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में इनको रेट किया गया है। तो यहाँ पर डिनर करना और लंच करना अपने आप में बहुत खास माना जाता है। इसके अलावा उदयपुर में और भी बहुत खास है, चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं, आप बोटिंग कर सकते हैं लेक पिचोला और फतेह सागर लेक में, और मानसून फैले से जहाँ से उदयपुर का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखता है। तो और ये जगह दिल्ली से उदयपुर काफ़ी नज़दीक भी है, सिर्फ ओवरनाइट जर्नी है। तो आप अपनी जर्नी, आप अपना हनीमून अगर प्लान कर रहे हो तो उदयपुर को भी आप चुन सकते हैं अगर आप सर्दियों में जाने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर जगह आती है केरला, जिसको गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, वो भी अपने आप में बहुत खास है। केरला में घूमना आपके लिए ज़िंदगी भर यादगार रहेगा। केरला में जो जगहें खास हैं वो मुन्नार, एलेपी और थेकेडी। मुन्नार के चाय के बगीचे, वहाँ की खुशनुमा हवा और मसालों के प्लांटेशन आपके हनीमून को बहुत खास बना देंगे। मुन्नार में 2 दिन और एलेपी में हाउस बोट में 1 दिन आपके लिए काफ़ी यादगार रहेगा। और केरला जाने का सबसे अच्छा समय जो है वो है आपके लिए सितंबर से लेके मार्च के बीच में, यानी सर्दियों के टाइम में केरला सबसे खास रहता है। यहाँ पर उस टाइम में जो ह्यूमिडिटी का लेवल रहता है वो कम रहता है और घूमने फिरने के लिए सबसे अच्छा मौसम ये रहता है। उसके बाद जो सबसे खास एक और जगह है जहाँ आप अपना हनीमून मनाने जा सकते हैं वो है गोवा। गोवा जो इंडिया की बीच कैपिटल है, यानी सबसे सुंदर और सबसे जो फेमस इंडिया के बीच हैं वो गोवा में ही हैं। तो गोवा जाने का भी जो सबसे खास समय है वो है सर्दियों में। अगर आप नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में कहीं हनीमून जाने का सोच रहे हो तो गोवा को आप ज़रूर कंसीडर कीजिए। यहाँ के खूबसूरत बीच और चर्च आपकी हनीमून के जो क्षण हैं उनको यादगार बना। तो गोवा आप 2 से 3 दिन बड़े आराम से यहाँ पर बिता सकते हैं और बीच पे आप बिल्कुल रिलैक्स होके बड़े आराम से आप इत्मीनान से क्षणों का आनंद ले सकते हैं।
इसके अलावा गोवा में आप क्रूज की सफारी भी कर सकते हैं, और गोवा में आप बाइक या फिर कार रेंट पे मिल जाती है, उससे आप पूरे गोवा के आप दर्शन कर सकते हैं। अब तो इसके बाद पांचवें नंबर पर आता है मनाली। मनाली भी अपने आप में बहुत खास जगह है। आपने बहुत सारी पिक्चरों में मनाली देखा होगा, रोहतांग पास देखा होगा। अगर आप मनाली जाने, मनाली वैसे तो साल भर यहाँ पर अच्छा रहता है, बरसात को छोड़ के, जुलाई अगस्त को छोड़ के आप कभी भी मनाली जा सकते हैं। मनाली एकमात्र जगह इंडिया में ऐसी है जो जहाँ पे आपको गर्मियों में भी बर्फ मिलेगी। जी हाँ, रोहतांग पास आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको गर्मियों में भी बर्फ मिलेगी, यानी आप अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक भी आपको बर्फ देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आप बर्फ और ठंडी जगह जाना चाहते हैं तो मनाली आपके हनीमून पैकेज में होना ही चाहिए। और अगर आप दिसंबर से लेके मार्च के बीच में जाएंगे तो आपको मनाली में स्नोफॉल मिलेगा, यानी बर्फ गिरते हुए मिल सकती है। और जैसे कि सोलांग वैली हो गया और रोहतांग हो गया यहाँ, और रोहतांग के नीचे वाले इलाके गुलाबा, यहाँ पे आपको इस टाइम पे बर्फ मिलेगी। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं यानी कि अप्रैल से लेके जून के बीच में, तो यहाँ पे मौसम बहुत सुहावना रहता है। जहाँ पूरे देश में गर्मी होती है, वहीं मनाली में 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और मनाली दिल्ली से ओवरनाइट जर्नी है बाई बस, तो मनाली भी आप अपने हनीमून में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पांच जगह हैं इंडिया में, ये अपने आप में बहुत खास हैं हनीमून के लिए। आप इनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और टॉपिक पे, नई नई जगह लेके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।